शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का 89वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू के साथ कांग्रेसजनों ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का 89वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू के साथ कांग्रेसजनों ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश में राजीव गांधी संचार क्रांति लेकर आए थे। उन्होंने देश के 4 करोड़ युवाओं को 18 साल की आयु में वोट देने का अधिकार प्रदान किया था। मनरेगा भी उन्हीं की देन है। आज राजीव जी का 89वां जन्म दिवस शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर मनाया जा रहा है। राजीव जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में इस देश को एक संचार क्रांति जो दी, उस संचार क्रांति के जनक कहे जाते हैं राजीव गांधी। उन्होंने इस देश में आज जो भी टेक्नोलॉजी है, जिसका भारतीय जनता पार्टी जब राजीव गांधी इस टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे तो उन्होंने विरोध किया था। पंचायती राज व्यवस्था उन्होंने जो लागू की, उससे गाँव तक विकास की जो गंगा उन्होंने बहाई, वो राजीव गांधी की देन थी। 18 साल के युवाओं को, देश के 5 करोड़ युवाओं को वोट देने का अधिकार देकर उन्होंने युवाओं की इस सोच को बदलने का काम किया कि उन्हें भी वोट का अधिकार है। वो आज राजीव जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज राजीव जी होते तो इस देश की तस्वीर ही कुछ बदल होती, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सरकार है वो नफरत की आग को और भड़का रही है। राजीव जी के की सेवा को और योगदान को किए कि जब यूएनओ में भारतीय रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी को आपने भेजा, क्योंकि ये बीजेपी को याद करना चाहिए कि ये राजीव जी का जो है ये सोच थी, ये विचार था। आधुनिक भारत के निर्माता, संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को 89वां जन्म दिवस हम एक संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिससे आज हम ये संकल्प लेकर जाएंगे कि आने वाले 2024 में इन मनुवादी ताकतों को और जो देश को गर्त की ओर ले आ रहे हैं, इन्हें उखाड़ फेंक कर 2024 में हम अपनी सरकार बनाकर देश को पुनः तरक्की की ओर ले आएंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी को उनके 89वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष शाहिद खान ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को बहुत कुछ दिया है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर राजीव गांधी जी का 89वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, और मैं चाहता हूं कि राजीव जैसा प्रधानमंत्री हर देश में हो, क्योंकि उस देश की उन्नति का जो काम राजीव जी ने किया वो किसी ने नहीं किया है। क्योंकि दूरसंचार की जो क्रांति थी, जो पहले टेलीफोन से लोग बात नहीं कर पाते थे, गांव-गांव दूर दूर लोग जाना पड़ता था, चिट्ठियों का योग था, वो राजीव जी द्वारा दूरसंचारी क्रांति हुई। और जब 1944 के बाद जब राजीव जी पैदा हुए और जब 40 साल की उम्र में, कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 21 साल में जब वोट देने का अधिकार था उसको भी उन्होंने कम करके, 5 करोड़ ऐसे देश में लोग थे जिन्हें 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। जी, जैसे कि सभी लोगों को मालूम है, आज स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी का 89वां जन्मदिन जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में उनकी जयंती मनाई जा रही है, और जिस तरीके से उनका योगदान भारतवर्ष के लिए रहा है वो सराहनीय योगदान है, और उनके योगदान के सहारे से ही हिंदुस्तान आज एक बहुत बड़ी सशक्त शक्ति के रूप में उभरा है। शहर कांग्रेस कार्यालय पर स्वर्गीय राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर मधुरिमा शर्मा, अनिल शर्मा और लक्ष्मीकांत मौजूद रहे। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।